दोस्तों, अगर आप भी डेविड वॉर्नर को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। काइल मेयर्स के बाद मार्क वुड ने अपना पंजा खोलकर लिखा ऐसा इतिहास कि पूरा क्रिकेट वर्ल्ड दंग रह गया। दिल्ली और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो आखिर कैसे राहुल की लखनऊ ने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कुचल कर रख दिया दिल्ली का घमंड। उनके शानदार प्रदर्शन से लेकर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है डेविड वॉर्नर और केएल राहुल में से धाकड़ बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तीसरे मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। एक दूसरे से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दिल्ली ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ के लिए राहुल के साथ काइल मेयर्स ने पारी की शुरुआत करने को आए। सबको लगा कि यह दोनों टीम को तूफानी शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इन दोनों ने बेहद ही धीमी शुरुआत और लखनऊ पर दबाव बढ़ चुका था, जिसका नतीजा यह हुआ कि दबाव में कप्तान राहुल अपना विकेट गवा बैठे। उन्हें चेतन सकरिया ने 8 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। उनके आउट होने के बाद दीपक हुड्डा मैदान पर आए। लखनऊ ने 6 ओवर में केवल 30 रन ही बना पाए। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली लखनऊ को आसानी से धूल चटा देगी, लेकिन पावर प्ले के बाद काइल मेयर्स ने ऐसा कोहराम मचाया जिसके सामने दिल्ली के गेंदबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। देखते ही देखते उन्होंने 30 गेंदों पर ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और पलक झपकते ही यह मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 11 ओवर में ही अपनी टीम को 98 रनों के पार पहुंचा दिया। तो यह सब लग रहा था कि लखनऊ इस मुकाबले में विशालकाय स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन तभी मुकाबले में ट्विस्ट आता है और लगातार 2 ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों ने इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों को चलता कर दी। पहले अक्षर पटेल ने मेयर्स को चलता किया। वो 38 गेंदों पर 7 छक्के और 2 चौके की मदद से 78 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद निकोलस पूरन भी 36 रन के स्कोर पर खलील अहमद के शिकार हो गए और अंत में आयुष बडोनी के साथ गौतम ने अंतिम ओवर में लगातार 3 छक्के ठोककर अपनी टीम को 193 रनों तक पहुंचाया। दिल्ली के लिए खलील अहमद और चेतन सकरिया ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेविड वॉर्नर के साथ पृथ्वी शॉ की जोड़ी मैदान पर आई। दिल्ली ने शानदार शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने 4 ओवरों में 40 रन के पार स्कोर पहुंचा दिया। दिल्ली ने धाकड़ शुरुआत की और मुकाबले को अपनी ओर झुकाना शुरू किया। मार्क वुड ने तो दिल्ली को तहस नहस करने की ठान ली थी और पहले ही ओवर में मिचेल को 0 के स्कोर पर चलता किया। उसके बाद सरफराज भी 4 रन के स्कोर पर मार्क वुड के शिकार हो गए। मार्क वुड की आंधी में दिल्ली ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उनके बाद कुछ और बल्लेबाज आए और गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली ने इस मुकाबले को 50 रनों के लंबे अंतराल से गवा दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2023 का खिताब कौन करेगा अपने नाम? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।